नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में जिस रफ्तार से कोरोना ने अपने पैर फैलाए थे, उसी रफ्तार से बिना लाइसेंस अवैध तरीके से शहर में बाढ़ सी आ गई है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों ने कोरोना काल को अपने फायदे में बदलने का सुनहरा मौका बना लिया है, जिसकी वानगी शहर के हर मोहल्ले में साफ देखने को मिल जाएगी। शहर का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां पर बिना लाइसेंस अवैध तरीके से हॉस्पिटल और नर्सिंग होम ना खुले हों। गली मोहल्ले में बिना लाइसेंस चल रहे अवैध तरीके से इन हॉस्पिटलों और नर्सिंग होमों में इलाज के नाम पर खुलेआम लूट होती है। सूत्रों की माने तो शहर में अवैध तरीके से संचालित हो रहे इन हॉस्पिटलों और नर्सिंग होमों में इलाज के नाम पर मरीज से लाखों रुपयों का लंबा चौड़ा बिल बनाकर लूटने का काम किया जाता है। शहर के कुछ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम तो ऐसे भी हैं जो 3-4 कमरों में ही संचालित कर इलाज के नाम पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाज के नाम पर लाखों रुपए लूटने के बाद जब मरीज की हालत खराब होने लगती है तो किसी अन्य हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज देते हैं। फिर भी शहर में तैनात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गांधी जी के बंदर की तरह अपनी आँख कान नाक और मुंह बंद कर रखा है। सूत्र बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी आँख कान और मुंह बंद रखने के लिए इन हॉस्पिटलों और नर्सिंग होमों से सुविधा शुल्क के नाम पर मोटी कमाई करते हैं। इसीलिए शहर में अवैध तरीके से चल रहे इन हॉस्पिटलों और नर्सिंग होमों में जब इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है तो हॉस्पिटलों और नर्सिंग होमों में संचालकों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच के नाम पर खेलकर पूरे मामले को रफा दफा करवा देते हैं। जब इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नेपाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने जांच कर ऐसे हॉस्पिटल व नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर नेपाल सिंह। सर कानपुर कच्ची में इस तरीके से भी बिना मानक के अस्पताल चलाया गया, प्रमुखता से खबर भी हम आपको लगातार बराबर दिखा रहे हैं, इसके खिलाफ क्या अभी तक कार्रवाई की जा रही है, क्या अभी तक कोई लगातार जो है एक ACMO लगाया हुआ है और वो बाबू के साथ लगातार उनका जाकर जो है निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी इस तरह का मिल रहा है नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस का जवाब ना देने पर उनको जो है सील करने की कार्रवाई की जा रही है। सर एक बिजली बच्ची और बिना संजीवनी लाइफ लाइन दिव्या में बिजली में मौतें हुई, इसके बाद धरना प्रदर्शन हुए, काफी में बवालबाजी भी हुई, सर उसमें कोई कार्रवाई की आप कर रही हो? शायद आपके संज्ञान में नहीं है, ये सभी को ही नोटिस दे दिया गया और जैसे नोटिस होगा हो सकता है आज या कल में आपको ये भी सूचना मिल जाए कि विजयलक्ष्मी को सील कर दिया गया। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, सर कई दक्षिण में ऐसे अस्पताल जो घर के अंदर चल रहे हैं, ऊपर कमरों में चल रहे हैं, बाहर से ताले बंद किए हुए हैं, अंदर मरीज एडमिट है, भर्ती है और इसके बाद यही सर मौतें हो जाती है, उसके बाद में सर खुलासा होता है, सर सब क्या? इस तरह का जो भी वो चल रहा है सब तो मैं बताया ना कि मैं लगातार कार्रवाई, एक भी दिन मिस नहीं होता। एक ACMO से किसी काम के लिए छोड़ा हुआ जो ये झोला छाप टाइप के जो चल रहे हैं उनका सबकी वो निरीक्षण करेंगे, सबको नोटिस देते हुए और उनकी पूरी डिटेल्स आख्या बनाएंगे और समय पर जितने समय का एक सप्ताह का समय जितना भी देंगे, अगर इस बीच में कोई नहीं आएगा तो दूसरा उसका निरीक्षण किया जाएगा और नहीं होगा तुरंत सील करे जाएंगे। सर थोड़ा सवाल ये कि जो हॉस्पिटल संचालक है वो किस तरीके से मानक पर